पितृपक्ष में मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, क्या जानते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पितृपक्ष पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर होता है। पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर 2022 से हो रही है। पितृपक्ष की अवधि में जीवन की तमाम चीज़ों को छोड़कर अपने पूर्वजों को याद करने का समय होता है। उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण करने का विधान है। पितरों से अपनी गलती की माफ़ी मांगने के साथ श्राद्ध कर्म कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सूर्य होकर और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। सर्वपितृ अमावस्या जो है इस वर्ष 25 सितंबर को है। पितृपक्ष में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पितृपक्ष में मृत्यु हो जाए तो हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो पितृपक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। कहते हैं ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इस दौरान स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। पितृपक्ष में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। ये भ्रांतियाँ हैं कि श्राद्ध पक्ष की अवधि शुभ नहीं होती। शास्त्र के अनुसार ये आध्यात्मिक पर्व माना जाता है, इसीलिए इस समय में प्राण त्यागने वाले परलोक जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की आत्मा जो है अपने दिवंगत परिजनों की आत्माओं से संबंध जोड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे उनका यमलोक जाने का सफ़र आसानी से गुजर और तकलीफें शांत हो जाती हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।